अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको रबड़ी खीर बनाना सिखा रहे हैं। ये मैंने नीटो फुल क्रीम जो दूध है नीटो वो लिया है, चाय वाला दूध बिल्कुल मत लीजिएगा, ये नीटो फुल क्रीम है ये लिया है हमने। ये मैं आपको मेजरिंग कप से बता दूँ, ये एक कप लिया है और 1/3 कप और लेंगे हम। हमने इसके लिए पानी लिया है, ये 3 कप लिए मैंने, चाय के जो होते हैं ये कप, 3 कप लिया मैंने पानी। रबड़ी मैंने ली है 4 टेबलस्पून भर के। चावल लिए थे मैंने 1/2 कप, कच्चे चावल लिए थे 1/2 कप, उसको बॉयल करके हमने अच्छी तरह उसको मैश कर लिया है। बता दें कि 1/2 कप में इतने चावल बने तो मैंने आधे हटा दिए, आधे एक कप बल्कि हम ये चावल लेंगे, 1 कप चावल लेंगे हम। इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। इलायची पाउडर लेंगे 1 टीस्पून भर के, 3 इलायची चाय ले लें और उसको छिलका समेत आप बारीक पीस लें। चीनी हसबे ज़रूरत लेंगे। स्टार्ट करते हैं, हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दूध डाल के इसको घोल लेंगे हम। इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको हम। आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। अब हम इसको चूल्हा जला देंगे इसका हम। अब इसमें हम चावल डाल देंगे, फिर चम्मच से मैश कर लेंगे। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाएगा आप चमचा चलाते रहिएगा इसमें। दूध हमारा गाढ़ा हो गया है तो हम इसमें 1 कप पानी और डाल देंगे, क्योंकि इसको पकाना भी हमें खीर को, तो हमने 4 कप लिए हैं। बस को एक उबाल आ जाएगा तो हल्की आंच कर देंगे इसको पकने के लिए। इसमें उबाल आ गया, हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कर देंगे ताकि हमारी खीर पकती रहे। थोड़ी देर बाद हम इसको मिक्स करते रहेंगे फेटू से। विक्स से हम मिक्स करते रहेंगे। जब ये गाढ़ी होने लगेगी फिर हम इसमें शक्कर डालेंगे। खीर हमारी गाढ़ी हो गई है, अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। एक कप डालेंगे, 1 कप से भी थोड़ी कम डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, 1 कप भी डाल सकते हैं। मैंने 1 कप से थोड़ा कम बचा लिया है क्योंकि हम रबड़ी भी डालेंगे तो वो भी मीठी होती है, तो 1 कप से पूरी हमने नहीं डाली, हमने कम, एक बस 3/4 कप समझे डाली हमने। अगर आपने ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर इसको और पकाएंगे ताकि चीनी भी घुल जाएगी।
थोड़ा सा नट्स डालेंगे हम, बादाम पिस्ते और काजू हैं, आप बादाम भी डाल सकते हैं खाली। बस ये गाढ़ी होगी, हम चूल्हा ऑफ कर देंगे इसका, फिर ठंडी होके फिर हम लबड़ी डालेंगे इसके अंदर। हमारी खीर गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। बस इसको अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम। बस हमने फ्लेम ऑफ कर दिया इसका। हमारी लबड़ी खीर तैयार है। जब ये ठंडी होगी तो हम इसमें ऊपर से लबड़ी डालेंगे और नट्स डालेंगे। इसको ठंडा होने देंगे, पहले इसको ठंडा करेंगे। अब हम इसमें, हमारी खीर ठंडी हो गई, हम इसमें लबड़ी डालेंगे ये सारी। लबड़ी हमने सारी डाल दी इसमें। नस डालेंगे। बस इसको फ्रिज में रखेंगे, खूब ठंडी करके फिर खाएंगे। खाइएगा आप लोग तो, खूब ठंडी करके खाएं। हमारी लबड़ी खीर तैयार है।